नमस्कार, मैं दिव्य त्रिपाठी आज फिर से आप सभी का लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आज हम उन्हीं भागों में से सबसे पहले भाग, जिसे हम नाउन के रूप में जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखें कि कैसे हम सही इंग्लिश बोलने और लिखने में नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी का लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी के अगले वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। आज हम उन्हीं 8 भागों में से जो सबसे महत्वपूर्ण भाग, पहला भाग है, जिसे हम नाउन के रूप में भी जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नाउन को कैसे सही ढंग से इंग्लिश लिखने और बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से नाउन क्या होता है इस बारे में चर्चा की थी, और यह जाना कि नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है, और अंग्रेजी के वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था आदि के नाम को बताते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने डिस्कस किया था कि वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे इट कैन बी बुक, चेयर, किसी व्यक्ति का नाम, हनी, राम, श्याम, गोपाल, स्थान का नाम, एनी सिटी नेम, किसी जगह का नाम, उसी तरह कार्य, गुण। तो इस तरह से हमने विस्तार रूप से देखा कि नाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य, अवस्था को बताता है। अब इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नाउन के कितने भाग होते हैं और उनको कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से नाउन को डिफाइन किया जा सकता है। द वर्ड और वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस दैट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग are known as noun. It is probably the most widely used part of speech. Noun can be further sub-classified into various categories depending on the type of object they refer to. कहने का तात्पर्य यह है कि noun का classification further 3 भागों में किया जा सकता है। जैसे पहला है काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन एंड जेंडर ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के, कि नाउन के कितने भाग होते हैं। तो चलिए देखें। नाउन को मुख्यतया 5 भागों में बांटा गया है, जिसे कि हम सेंटेंस में यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप कई ग्रामर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें नाउन के कुछ और भाग आपको मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, चलिए इसकी बात करें। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को बताता है। उदाहरण के तौर पे राम, श्याम, मोहन, किसी कंट्री का नाम, इंडिया, लंदन, कोलकाता, एट्सेट्रा।
इसमें जो सबसे प्रमुख बात यह होती है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें दिल्ली नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो डी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल है। उसी प्रकार इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो नाउन, तो इंडिया में आई कैपिटल है। अगला नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी एक वर्ग या जाति से संबंधित प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयोग किया जा सके। जैसे बॉय, किंग, विमेन, बुक, एट्सेट्रा। इसकी चर्चा हम जब उदाहरण की चर्चा करेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे कि कॉमन नाउन को कहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। अगला है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही इसके हम समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी की गणना की जा सकते की जा सके, जैसे कि बर्ड्स, चेयर्स, मेन, एट्सेट्रा। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन वो है जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सके, जैसे कि ग्रास, मिल्क, वाटर, तो इसकी गणना नहीं की जा सकती, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। मटेरियल नाउन, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ के नाम का बोध कराता हो। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का प्रयोग करके दूसरी वस्तु बनाई जाए तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे गोल्ड, सिल्वर, राइस, कोल, इन सारे गोल्ड, सिल्वर, राइस, कोल को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे कोई क्वालिटी, कोई एक्शन, कोई स्टेट, कोई अवस्था। क्वालिटी क्या हो सकती है? कोई व्यक्ति बहुत ही काइंड है, काइंडनेस, विजडम। उसी तरह कोई एक्शन जैसे लाफ्टर, जजमेंट। उसी प्रकार से कोई अवस्था हो सकती है जैसे चाइल्डहुड और स्लीप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितने भी तीन क्वालिटी, एक्शन और स्टेट में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसे हम सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते, तो इन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल ए, एन और दी का प्रयोग करते हैं तो वह अपने आप कॉमन नाउन बन जाता है। चलिए उदाहरण से समझें इसको। उदाहरण के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूँ प्रॉपर नाउन का, शिवाजी वॉज ए हीरो। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन शिवाजी। अब ये कॉमन नाउन कैसे बन सकता है? नीचे आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, सुभाष वॉज दी शिवाजी ऑफ हिज एज। अब इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दी का प्रयोग शिवाजी के नाम से पहले किया गया है, इसलिए दी शिवाजी कॉमन नाउन बन गया। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण अगर हम देखें तो एक वाक्य है ट्रूथ ऑलवेज विंस, जिसमें ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यदि ट्रूथ के पहले दूसरे सेंटेंस में देखें, ही स्पीक्स दी ट्रूथ। दी ट्रूथ यानी कि ट्रूथ के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ और ये कॉमन नाउन बन गया। तीसरा उदाहरण मटेरियल नाउन का, जैसे कि गोल्ड इज प्रीशियस मेटल।
ये जिसमें कि गोल्ड मटेरियल है, मटेरियल नाउन। अब गोल्ड से पहले दी लगा दें अगर हम, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज़ वेरी फाइन, तो दी गोल्ड कॉमन नाउन बन गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन से पहले अगर किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वह अपने आप कॉमन नाउन बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन में यदि हम एस और ई एस जोड़ देते हैं तो भी वह कॉमन नाउन बन जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लेते हैं प्रॉपर नाउन का। लॉर्ड कृष्णा स्पोक द गीता टू अर्जुना, इसमें कृष्णा प्रॉपर नाउन है। अब कृष्णा कॉमन नाउन कैसे हम बना सकते हैं? दूसरा उदाहरण लेते हैं, इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू मेनी कृष्णाज। जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन में जब हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृष्णा के लास्ट में, अंत में हमने एस जोड़ दिया तो वह कॉमन नाउन बन गया। अगर हम दूसरा उदाहरण लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ऑल मेन शुड बी ट्रीटेड बाई जस्टिस, जिसमें जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यदि जस्टिस के अंत में एस और ईएस जोड़ दें तो वह कॉमन नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, फोर जस्टिसेस आर प्रेजेंट टुडे। तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस के लास्ट में, अंत में हमने एस जोड़ दिया और वो जस्टिसेस हो गया तो वह कॉमन नाउन बन गया। उसी प्रकार से मटेरियल नाउन में हम एक उदाहरण लेते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, जिसमें कि वुड मटेरियल नाउन है। अब वुड के अंत में यदि हम एस जोड़ देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। द वुड्स ऑफ द हिमालयस आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब आप देख सकते हैं वुड बिकम्स वुड्स, सो वुड्स कॉमन नाउन बन गया। इसी तरीके से हम और भी उदाहरण, या जब भी हम सही अंग्रेजी या लिखते या बोलते हैं तो उस समय हम प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन में एस या ई एस जोड़कर कॉमन नाउन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने चर्चा की काइंड्स ऑफ नाउन में, जिसमें हमने पांच विभिन्न नाउन के बारे में डिस्कशन किया और उदाहरण देखे कि कैसे हम नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं, कैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला जो नाउन है वो नंबर नाउन। अब नंबर नाउन का प्रयोग हमको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात की, तो उसमें हमने देखा कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्रास, ग्रास, मिल्क। तो ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो नंबर नाउन है, आप यहाँ पे उदाहरण देखें कि जब काउंटेबल नाउन की संख्या एक से अधिक होती है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं तो हमको कुछ विशेष जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसका अर्थ ये हुआ कि एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अब यहीं पे अगर बॉय की जगह हम बॉयज़ कर देते हैं तो बॉयज़ अर्थात कि बहुत सारे लड़के, तो आप देख सकते हैं कि इज की जगह आर का प्रयोग हुआ। तो ग्रामर का रूल भी यहाँ पे दूसरा एप्लीकेबल हुआ
और सेंटेंस हो गया द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो उसी प्रकार जब भी हम नंबर नाउन का प्रयोग करते हैं तो हमको यह ध्यान देना पड़ता है कि नाउन एक है या नाउन की संख्या एक से अधिक है, उसके अनुसार ही हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब एक संख्या बताए तो उसे हम सिंगुलर नंबर नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन जब एक से अधिक संख्या बताए तो उसे हम प्लूरल नंबर नाउन कहते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या क्या हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए बुक, चाइल्ड, ट्री, स्टूडेंट। उसी प्रकार यदि हम प्लूरल नाउन की बात करें तो बुक बिकम्स बुक्स, चाइल्ड बिकम्स चिल्ड्रेन, ट्री ट्रीज, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं कि नंबर नाउन में हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम एस जोड़ देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने लिया आर्म। अब आर्म के लास्ट में अंत में जब हम एस जोड़ते हैं तो आर्म बिकम्स आर्म्स। उसी प्रकार बॉय बॉयज, बुक बुक्स, बनाना बनानास, बी बीज, कैट कैट्स, कप कप्स, काउ काउज। हमने यहाँ पे जितने उदाहरण देखे उसमें हमने ये ध्यान दिया कि जितने भी सिंगुलर नाउन हैं अगर उसके अंत में हम एस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर टू में चलिए देखते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में यदि हम एस, एस एच, एक्स और सी एच जोड़ दें तो वह प्लूरल। यहाँ पे सिंगुलर नाउन के अंत में यदि एस, एस एच, एक्स और सी एच है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में ई एस जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एस। अब यहाँ पे वर्ड के अंत में एस दिया हुआ है, अब यहाँ पे यदि हम ई एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। बस, बस में आप देख सकते हैं कि अंत में एस है, अब उसके अंत में हम ई एस जोड़ दें तो वह बसेस हो जाता है। उसी प्रकार ब्रश, अंत में आप देख सकते हैं एस एच है, उसके अंत में हम ई एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन के ब्रशेस हो जाता है। उसी प्रकार टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेस, गैस, गैसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, मैच, मैचेस, डिश, डिशेस, चर्च, चर्चेस, क्लास, क्लासेस। तो आपने देखा कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि हमें एस, एस एच, एक्स और सी एच मिले तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हमें ई एस जोड़ना पड़ता है और वह प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर थ्री, वे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में ओ होता है और उनका प्रयोग कॉमन है। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ओ होता है और उनका जो हम यूज होता है वो बहुत कॉमन होता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बुफैलो, वेरी कॉमन नेम, तो आप देख सकते हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया गया, तो बुफैलो बिकम्स बुफैलोस। कार्गो, कार्गोस, हीरो, हीरोज, मोटो, मोटोस, मैंगोस, टोमेटोस, निग्रोस, इकोस, मॉस्किटोस, पोटैटोस, वोल्केनोस। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि ओ दिया हुआ है तो हम ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर फोर, वे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में ओ होता है और उनका प्रयोग बहुत कम होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम
केवल एस जोड़ते हैं। यदि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग बहुत ही कम होता है तो वो सिंगुलर नाउन जिनके अंत में ओ होता है उनके अंत में हम एस जोड़ते हैं, जैसे बम्बू, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने एस जोड़ दिया, बम्बूस। कुकू, कुकूस। फोटो, फोटोस। रेशियो, रेशियोस। सोलो, सोलोस। स्टूडियो, स्टूडियोस। स्टीरियो, स्टूडियोस। पियानो, पियानोस। तो आपने देखा कि सिंगुलर नाउन के अंत में जब ओ दिया होता है तो हम अंत में केवल एस जोड़कर भी उसे प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन रूल नंबर 4 में यह ध्यान देने योग्य बात है कि वे शब्द जिनका प्रयोग कम होता है उनके केस में हम एस जोड़ते हैं। रूल नंबर 5, वे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में वाई होता है लेकिन ठीक पहले कोई कंसोनेंट होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई, ई, एस जोड़ते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे कुछ यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे आर्मी। अब यहाँ पे देखिए, आर्मी में वाई अंत में दिया हुआ है और उसके ठीक पहले एम जो कि एक कंसोनेंट है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा के आई, ई, एस जोड़ते हैं, आर्मीज। उसी प्रकार बैटरी, बैटरीज। कंट्री, कंट्रीज। सिटी, सिटीज। ड्यूटी, ड्यूटीज। एनर्जी, एनर्जीज। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंत में आपको वाई मिलेगा और उसके ठीक पहले कंसोनेंट दिया होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम शब्द के अंत में आई, ई, एस जोड़ देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 6, ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एफ, ई या एफ होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ, ई या एफ को हटाकर हम वी, ई, एस जोड़ते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, जैसे काफ, सी, ए, एल, एफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अंत में शब्द के अंत में एफ दिया हुआ है, इसे प्लूरल बनाने के लिए हम वी, ई, एस जोड़ते हैं और एफ को हटा देते हैं, तो काफ बिकम्स काफ्स। नाइफ, नाइफ्स। लोफ, लोफ्स। सेल्फ, सेल्फ्स। उल्फ, उल्फ्स। हाफ, हाफ्स। लीफ, लीव्स। लाइफ, लाइव्स। वाइफ, वाइव्स। लेकिन यहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे, जैसे ब्रीफ, लेकिन यहाँ पे अंत में वी, ई, एस नहीं जोड़ते, उसमें एस जोड़ते हैं, ब्रीफ्स। बिलीफ, बिलीव्स। ऐसे आपको बहुत से शब्द मिलेंगे जिसमें एफ, ई और एफ दिया होता है लेकिन हम वहाँ पे वी, ई, एस नहीं जोड़ते और केवल अंत में शब्द के अंत में एस जोड़कर भी प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे शब्दों को हमें याद करना पड़ता है और हमें ध्यान देना पड़ता है। सामान्य तौर पे यदि एफ, ई और एफ सिंगुलर नाउन में दिया है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम एफ, ई या एफ को हटाकर वी, एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर 7, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर का हम वॉवेल चेंज करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे फुट। अब फुट बिकम्स फीट। आप देख सकते हैं एफ डबल ओ टी, यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया गया और फुट बिकम्स फीट। लाउस, लाइस। माउस, माइस। वुमेन, वीमेन। गूस, गीस। मैन, मेन। टूथ, टीथ। तो यहाँ पे ये ध्यान हमें देना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर का हम वॉवेल चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर 8, कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल बनाने का कोई नियम नहीं होता जिसे हमें याद ही करना पड़ता है, जैसे उदाहरण के लिए चाइल्ड, चिल्ड्रन। मिस,
मिसेस, मिस्टर मिसर्स, ऑक्स ऑक्सन, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिसको कि आपको याद ही करना पड़ेगा और उसको प्लूरल बनाने का कोई नियम नहीं होता है। रूल नंबर 9, जो कंपाउंड सिंगुलर नाउन है उनका प्लूरल बनाने के लिए जो मुख्य शब्द होता है उसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रदर इन लॉ, अब यदि हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉस, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉस, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स, फादर इन लॉ, फादर इन लॉस, स्टेपसन, स्टेपसन्स। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंड सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो इनका मेन वर्ड्स हमने देखा उसको हमने प्लूरल बना दिया और वह कंपाउंड सिंगुलर नाउन प्लूरल बन गया। अगला रूल नंबर 10, कुछ सिंगुलर नाउन के रूप को प्लूरल बनाते समय कुछ भी नहीं बदलते और जो सिंगुलर नाउन होते हैं सेम हम उसको प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डियर डियर, स्वाइन स्वाइन, फिश फिश, सीप सीप, सीरीज सीरीज, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक समान होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें ध्यान देना पड़ता है और हमें याद भी करना पड़ता है कि जब हम बोलचाल में या लिखते समय हम ऐसे शब्दों का ध्यान देते हैं। प्लूरल बनाने के कुछ सामान्य नियम भी हैं, जैसे कि जब हम डजन, पेयर, ग्रॉस, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक एट्सेट्रा, इनके पहले कोई संख्या हो तो इनका रूप प्लूरल में नहीं बदलता। जैसे गिव मी 4 dozen पेन्स, आई हैव 10,000 रुपीज, यू हैव 2 cars। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो हम इन्हें प्लूरल में नहीं बदलते, और ये ऐसे के जैसे ही रहते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या नहीं है तो हम ये नियम लागू नहीं करते। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, अब यहाँ पे रुपीज़ आप देख सकते हैं पहले से ही प्लूरल है लेकिन कोई नंबर नहीं दिया गया तो हमने इसको हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ लिखा। प्लूरल बनाने का 11वां नियम, रूल नंबर 11, हमको कुछ नाउन ऐसे मिलते हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल में ही होता है, जैसे मिजल्स, मम्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, टाइडिंग्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, एसेट्स, ये सदैव प्लूरल में ही इनका प्रयोग होता है। तो इसे भी हमें याद करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम इन्हें प्रयोग करें तो ये ध्यान दें कि इनका सदैव प्रयोग प्लूरल में हो। चलिए आगे देखते हैं प्लूरल बनाने का 12वां नियम, कुछ नाउन के रूप प्लूरल होते हैं पर उनका प्रायः प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। जैसे आर्म्स, गैलोज, इनिंग्स, मैकेनिक, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, देखने में ये प्लूरल जैसे हैं लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन की तरह ही करते हैं। रूल नंबर 13, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कुछ नाउन के रूप सिंगुलर जैसे होते हैं पर उनका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है। जैसे कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पोलिस, पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो
रूप है वह सिंगुलर है, लेकिन इनका प्रयोग हम प्लूरल की तरह करते हैं। तो यहाँ पे हमें जब भी हम इंग्लिश लिखते समय या बोलते समय हम ध्यान देते हैं कि इनका प्रयोग सही ढंग से हो। प्लूरल बनाने का 14वां नियम, 14th रूल नंबर 14th, जब भी हमें लेटर, सिंबल और फिगर को प्लूरल बनाना पड़ता है तो हम एपोस्ट्रोफी लगाकर एस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे कि अगर टू है और उसको हमें प्लूरल बनाना है तो वो टू के आगे हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। टी का प्लूरल बनाना है, टी एपोस्ट्रोफी एस। मिस शर्मा का प्लूरल मिस शर्मास। उसी तरह से कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्लूरल इस प्रकार बनता है, जैसे एनालिसिस। अब इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हम देखिए यहाँ पे सिंगुलर में एनालिसिस की स्पेलिंग दी हुई है, ANALYSIS, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो एनालिसिस की जो स्पेलिंग है वह चेंज होके ANALYSES हो जाती है। उसी प्रकार हाइपोथेसिस, इंडेक्स, मैडम। तो हमने ये देखा कि रूल नंबर 14 में प्लूरल बनाने के जो नियम हैं वो सामान्य नियमों से अलग हैं और इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ खास नियमों का ध्यान देना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने नाउन के दो भागों, काइंड्स ऑफ नाउन एंड नंबर नाउन की विस्तृत रूप से चर्चा की। नाउन का जो अगला और अंतिम भाग है जिसे हम जेंडर नाउन के रूप में जानते हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। नाउन को ग्रामर के दृष्टिकोण से चार जेंडर में बांटा गया है। जेंडर नाउन को मैस्कुलिन जेंडर, ये वे नाउन होते हैं जो मेल सेक्स पुरुष का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हॉर्स, डॉग, बॉय, नेफ्यू, अंकल एट्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर, वे नाउन होते हैं जो फीमेल का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेयर, बिच, गर्ल, नीज, आंट एट्सेट्रा। तीसरा कॉमन जेंडर, वे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, नेबर, फ्रेंड, पेरेंट एट्सेट्रा। उसी प्रकार चौथा न्यूटर जेंडर, वे नाउन जो किसी निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, जैसे बुक, पेन, पिक्चर, ट्री, टेबल एट्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं कि जब हम मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करते हैं या जेंडर नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसको कैसे प्रयोग करना है। जैसे छोटे बच्चे और छोटे जानवरों को न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा गया है, उनके साथ न्यूटर जेंडर के रूल्स लागू होते हैं। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कुछ जेंडर ऐसे होते हैं कि उनका प्रयोग सजीव वस्तुओं की तरह किया जाता है, इस अवस्था में मेल या फीमेल के रूप में इसे समझा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैस्कुलिन जेंडर का हम उदाहरण लें, सॉलिट्यूड सन, डेथ टाइम, विंटर समर, ऑटम मून, अर्थ स्प्रिंग, लिबर्टी जस्टिस, तो हम देख सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में यहाँ पे रूल नंबर 1, इसमें जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अलग अलग होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, बॉय
girl, buck, doe, brother, sister, bachelor, maid, bridegroom, bride, cock, hen, colt, filly, dog, bitch. तो हमने यहाँ पे देखा रूल नंबर वन में कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में हम लिखते हैं. रूल नंबर टू, ऐसे शब्द मैस्कुलिन जेंडर नाउन में कुछ शब्दों के अंत में हम ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, जैसे कि ऑथर, ऑथरेस, बैरन, बैरन, काउंट, काउंटेस, जायंट, हेयर, होस्ट, ज्यू, लॉयन. इन सभी शब्दों के अंत में हमने ई ए डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाया. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नाउन जो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं उनको अगर हमें फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है, बदलना है, तो हम उनके अंत में, शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ते हैं और वह फेमिनिन जेंडर बन जाता है. रूल नंबर थ्री, कुछ मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर बनाते समय ई एस एस जोड़ते हैं और मैस्कुलिन का वोवेल हटा देते हैं. उदाहरण के लिए एक्टर. अब यहाँ पे आप देखिए, इसको फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हमने ई डबल एस लगाया लेकिन हमने वोवेल हटा दिया, तो ये कैसे एक्ट्रेस, एक्टर बन गया एक्ट्रेस. उसी प्रकार और उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस. तो इस प्रकार हम ई एस एस तो जोड़ते हैं लेकिन हम मैस्कुलिन का वोवेल हटा देते हैं तो वह फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित हो जाता है. रूल नंबर फोर, कंपाउंड नाउन मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन बनाते समय एक शब्द को बदल दिया जाता है. जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल लें, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द बदल दिया गया और वह हो गया सिस्टर इन लॉ. कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ही गोट, सी गोट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. तो इस तरह के मैस्कुलिन जेंडर को जब भी हम फेमिनिन बनाते हैं तो उसमें हम एक शब्द बदल देते हैं और ऐसा केवल कंपाउंड नाउन के केस में होता है. कंपाउंड नाउन आप देख सकते हैं, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. तो इस वीडियो में हमने विस्तार रूप से नाउन के विभिन्न भागों की चर्चा की और हमने देखा कि नाउन को कैसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में परिवर्तित कर सकते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. लगता है कि अब आपको नाउन के बारे में बहुत सी जानकारी हो चुकी है. अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.